अयोध्या जहाँ हम आज बैठे हैं, इसी अयोध्या नगरी में कवि सम्राट चक्रवर्ती भरत अपने 81 मंजिल के महल के छत पर बैठे हुए थे और उनकी दृष्टि इतनी पैनी थी कि उन्होंने श्रावण कृष्णा एकम के दिन जब सूर्य पहली गली में था, 84 गलियां होती हैं सूर्य की, सूर्य बाहर वाली पहली गली में था, तब चक्रवर्ती भरत ने उस सूर्य के विमान के अंदर जो जिन मंदिर है उसमें विराजमान भगवान के दर्शन किए थे। चक्रवर्ती के आँखों की दृष्टि सर्वोत्कृष्ट दृष्टि कहलाती है। तो इस तीसरी अध्याय के अंदर मध्य लोक का वर्णन है कि जहाँ 7 क्षेत्र 6 पर्वत हैं और उनके मध्य में हमने बताया, मैं तो मूल मूल बात ही बताती हूँ कि आपके हमारे हित में क्या है। देखो ये बड़े बड़े अध्याय हैं, इनको श्रवण करें पढ़ें तो बहुत दिन लग जाएगा और पढ़ना जरूरी रहता है, उसके अंदर षट काल का परिवर्तन चलता है। हम और आप षट काल के परिवर्तन के अंदर 5वें काल में चल रहे हैं जिसका नाम है दुखमा काल। ये हुंडाव सर्पणी का पंचम काल चल रहा है, यहाँ कोई तीर्थंकर नहीं जन्म ले रहे, तीर्थंकर सारे 4थे काल में जन्म लेकर के मोक्ष चले गए। तो भव्यात्माओं, हम लोग 5वें काल में जन्मे हैं लेकिन सम्यक दर्शन को आज प्राप्त करके नरक और तिर्यंच गति में नहीं जाएंगे, इस बात का संकल्प ले लेंगे, यानी कि इस बात से परिचित हो जाएंगे कि हम केवल पुण्य कार्य करेंगे, पाप कर्मों की ओर इतना पाप हम नहीं करेंगे कि हम नरक में जाने लगें। थोड़ा थोड़ा पाप तो क्या है कि गृहस्थी में संकल्पी हिंसा को छोड़कर बाकी आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा, इन तीनों को तो करते ही हैं, क्योंकि आपको खाना भी बनाना है, व्यापार भी करना है, गृहस्थी भी चलाना है, खेती भी करना है। तो गृहस्थ के लिए ये तीन हिंसा क्षम्य हैं, लेकिन संकल्पी हिंसा कभी भी मत करना। लक्ष्मण रेखा मत खींचना कि काकरोच आकर के मर जाए। हिंसा की चीज़ों को मत लाना, वो फ्लीट मत करना, फ्लीट मत करना कि मच्छर फटाफट प्राण त्याग दे। आप एहतियात बरतें, सफाई करें, स्वच्छता रखें, लेकिन संकल्प पूर्वक जीवों को नहीं मारें। बस संकल्प पूर्वक जीव को नहीं मारेंगे तो आप निश्चित रूप से मनुष्य गति के अंदर कुछ कुछ अपने पद के योग्य पुण्य करते हुए, पद के योग्य पाप करते हुए भी देव गति का बंध कर सकते हैं। तो ऐसे 39 सूत्रों के अंदर आचार्य उमा स्वामी ने मनुष्य गति और तिर्यंच जीवों की स्थिति का वर्णन किया है। इसी मध्यलोक के अंदर भगवान महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर बन करके, और इस तीर्थंकर परंपरा का उन्होंने इस वर्तमान काल में समापन किया। आगे आने वाले काल में उनके तीर्थंकर के ही पाद मूल में रहने वाले महाराजा श्रेणिक, उनको आगे का उन्होंने उत्तराधिकारी बना दिया, अर्थात महावीर के समोसरण में राजा श्रेणिक ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है। और वो आगे आने वाले काल में जब तीर्थंकर परंपरा प्रारंभ होगी तो इसी अयोध्या नगरी में प्रथम तीर्थंकर महापद्म के रूप में जन्म लेंगे। तब ऐसे भगवान महावीर के कथानक की ओर भी चलते हैं। कल आपने सामायिक सीख ली, तो महावीर भगवान का कथानक हमने आपको परसों के दिन बताया था कि पुरुरवा भील की पर्याय से एक दलित आत्मा ने अपने जीवन का उत्थान शुरू किया गुरु के उपदेश के द्वारा, और वो आगे जा करके देवता बना और फिर मरीचि कुमार बना। मरीचि कुमार इसी अयोध्या में जन्मे थे, सम्राट चक्रवर्ती भरत के पुत्र बन करके उन्होंने अपने बाबा भगवान ऋषभदेव के साथ
दीक्षा धारण कर ली थी। संक्षेप में ही मैं बताऊंगी, दीक्षा धारण करके 4000 राजाओं के साथ वो दिग्भ्रमित हो गए, पथ से च्युत हो गए, क्योंकि ऋषभदेव भगवान ने श्रमणचर्या नहीं बताई थी, आहार करने की विधि नहीं बताई थी। तो 2-4-10 दिन के अंदर सारे मुनिराज पथभ्रष्ट हो गए, कोई जंगल के फल खाने लग गए, कोई झरने का पानी पीने लग गए, कोई किसी ने छाल पहन ली, किसी ने कुटिया बना ली, किसी ने धूनी रमा ली, और सब के सब पथ से भ्रष्ट हो गए। आगे जा कर के जब भगवान को केवल ज्ञान होता है, सब के सब तो पहुंच गए उनके समोसरण में, पुनः मुनि बन गए, लेकिन मरीचि कुमार नहीं गए। उन्होंने सुन लिया था कि ऋषभदेव भगवान ने बताया है कि मरीचि कुमार आगे जाकर 24वां तीर्थंकर बनने वाला है। उन्होंने कहा, मैं क्यों जाऊं? मैं तो स्वयं तीर्थंकर बनने वाला हूं। मान में आकर उन्होंने अपनी गति बिगाड़ ली और अनेक प्रकार के कुरीतियों का संचालन कर दिया, कई प्रकार के मत मतांतर चला दिए, जिससे वे तमाम संसार के अंदर परिभ्रमण करते रहे। तो भव्यात्माओं, कभी कभी वो नरक में जाते, कभी मनुष्य होते तो भी कुतप करने लगते, सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो गए। एक बार त्रिपृष्ठ नारायण बन गए, वहाँ से मरकर सातवें नरक में चले गए, और वहाँ से आकर सिंह बन गए, शेर। वह मांसाहारी सिंह पुनः मरकर प्रथम नरक में चला गया, वहाँ के दुखों को भोग करके पुनरपि वह नारकी जम्बूद्वीप के हिमवान पर्वत के शिखर पर एक सुंदर सुंदर बालों वाला शेर बन गया। बाल तो सुंदर थे, लेकिन शेर तो शेर था, उसका कार्य था हिंसा करना। तो अब सुनिए, शेर से लेकर महावीर तक का कथानक। वह शेर कैसे अपने जीवन का उत्थान प्रारंभ करता है और आगे जाकर 10वें भाव में अहिंसा के अवतार महावीर तीर्थंकर के रूप में जन्म धारण करता है। चलते हैं, हम उस शेर के बारे में जानते हैं। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, बोलो वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। शेर था एक जंगल का राजा, उसको डर न किसी का भी था, एक हिरण को मार गिराया, अपना भोजन उसे बनाया, वही क्या जाने पर की पीर, वही क्या जाने पर की पीर, बोलो वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, बोलो वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। शेर का जो कार्य होता है हिंसा करना, कोई भी प्राणी मिल जाए उसको मारना, अपना पेट भरना, वही शेर कर रहा था। एक हिरण को उसने अपना शिकार बना लिया और उसे अपना भोजन बनाकर उसको खाने लगा। इतने में क्या होता है, उसी समय आकाश मार्ग से दो मुनि आ गए दया भाव से, दो मुनि आ गए दया भाव से, जोर से उसे उपदेश सुनाया, ही मृगराज बहुत दुख पाया, ही मृगराज बहुत दुख पाया, अब तू तज दे हिंसावीर, अब तू तज दे हिंसावीर, बोलो वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। जब भी हम किसी
किसी महापुरुष का कथानक सुनने बैठते हैं तो उसके पीछे किसी ना किसी गुरु का हाथ होता है। बिना गुरु के संबोधन के कोई सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं कर पाता। तीर्थंकर के पूर्व जन्म की पर्याय की बात है, शेर को भी आकाश मार्ग से आकर दो मुनिराजों ने उसे संबोधन दिया कि हे मृगराज तू हिंसा को तज दे, तू तीर्थंकर बनने वाला है, अहिंसा का अवतार बनने वाला है। तब शेर क्या करता है, शेर ने गुरु संबोधन पाया, जाति स्मरण उसे हो आया, जाति स्मरण उसे हो आया, पिछले भावों का स्मरण जो आया, पिछले भावों का स्मरण जो आया, आँखों से झर झर अश्रु बहाया, आँखों से झर झर अश्रु बहाया, मन में भरा सम्यक कनीर, मन में भरा सम्यक कनीर, बोलो वीर महावीर, बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर, बोलो जय जय महावीर, चलो महावीर भगवान की। सब लोग बोलो, कोई अपना मुख बंद मत रखना, सब हाथों को उठाकर बोलो, एक दिन महावीर आप भी बन जाओगे। वीर महावीर, बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर, बोलो जय जय महावीर। सिर ने गुरु का संबोधन पाया, एकदम उसे जाति स्मरण हो जाता है। ओह, मैं क्या था, मैंने कितनी हिंसा की है, जन्म जन्म में कितना दुख उठाया है, नरक में गया, कई बार शेर हो गया, न जाने कितनी हिंसा की, और मुनिराज के उपदेश के कारण उसे पिछले भवों का जाति स्मरण हो गया। और तब वो बेचारा क्या बोल सकता था, उसने अपनी आँखों से आंसू बहा बहा करके मुनिराज को बताया, भगवान मैं आपका अभिप्राय समझ गया हूँ, मुझे जाति स्मरण हो गया है, मैं अब हिंसा नहीं करूँगा। क्योंकि उसने मस्तक झुका झुका करके और सम्यक् का नीर मन में भर करके गुरुदेव के समीप सम्यक दर्शन को धारण कर लेता है। वो चाहता तो मुनिराज को भी अपना शिकार बना लेता, मुनिराज को भी खा लेता, लेकिन नहीं, उसको तो सम्यक दर्शन हो गया था। उसने अपने आंसुओं के बहाने से सारी मैल को धो लिया और मुनिराज को बता दिया कि मैं आपके संबोधन को श्रवण कर रहा हूँ। शेर की शांत भावना लख के अणुव्रत ग्रहण कराया मुनि ने, अणुव्रत ग्रहण कराया मुनि ने, वह अब सच्चा श्रावक बन गया, निराहार व्रत ग्रहण कर लिया, निराहार व्रत ग्रहण कर लिया, रोमांचक है चरित महावीर, रोमांचक है चरित महावीर, बोलो वीर महावीर, बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर, बोलो जय जय महावीर। जितना कुछ अधिक से अधिक कर सकता था वह सिंह उसने गुरुदेव के समीप मस्तक टेक दिया, अपना समर्पण कर लिया। गुरुदेव भी समझ गए और उन्होंने उस शेर को 5 अणुव्रत धारण करा दिए। उन्होंने समझ लिया कि अब इस सिंह की आयु बहुत शेष बची है, उनको अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह प्रमाण अणुव्रत दे दिया। हे शेर, अब तुम हिंसा मत करना, चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, आप कोई परिग्रह मत धारण करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। उसने
इन पांचों अणुव्रतों को धारण कर लिया, सच्चा श्रावक बन गया। केवल सम्यक दर्शन नहीं, अणुव्रतों को धारण कर लिया और पंचाण व्रत निधियो निरतिक्रमणा फलंति सुरलोकम यत्रावधिरष्ट गुणा दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते। समंत वज्र स्वामी ने कहा, पांच अणुव्रत निधियाँ जो अपने जीवन में धारण कर लेता है तो वह फलंति सुरलोकम, वो देवगति को जाता है जहाँ आठ रिद्धियाँ होती हैं और दिव्य शरीर मिलता है। ऐसे शरीर को देवगति में प्राप्त करता है। उन्हीं व्रतों को शेर ने धारण कर लिया। फिर अब वो क्या करता बेचारा, एक माह निराहार रहा वो, पशुओं ने मृतक समझ लिया उसे को, पशुओं ने मृतक समझ लिया उसे को, नोच नोच कर शेर को खाया, कष्ट सहने कर सूर्यपति पाया, कष्ट सहने कर सूर्यपति पाया, स्वर्ग में पाया दिव्य शरीर, स्वर्ग में पाया दिव्य शरीर। बोलो वीर महावीर, बोलो जय जय महावीर, बोलो वीर महावीर, बोलो जय जय महावीर। तो एक महीने तक निराहार रहा, एकदम चुपचाप पड़ा रहता था, जैसे कोई संलेख ना ले लेता है। और दूसरे पशुओं ने सोचा, ये तो मर गया है, उसके मांस को नोच नोच कर खाया। लेकिन उस शेर को तो नरक गति के दुख याद आ रहे थे, कितने दुख सहे हैं, अब इस गति में सम्यक दर्शन हो गया है, शरीर को कष्ट हो रहा है, लोग नोच करके खा रहे हैं, आत्मा मेरी महावीर बनने जा रही है। और ऐसा सोच सोच करके उसने चिंतन किया, शरीर को कष्ट दिया, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए उद्यत हुआ, उसकी आयु समाप्त हुई और वो जा करके देवता बन गया, दिव्य शरीर को धारण कर लिया। ऐसे महावीर स्वामी की जोरदार जय बोले, महावीर भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। दो सागर की आयु बिता कर जन्माधात की खंड में जाकर, जन्माधात की खंड में जाकर, राजपुत्र कन को ज्वल बन कर दीक्षा लेकर बन गए मुनिवर, दीक्षा लेकर बन गए मुनिवर, फिर संन्यास से तजा शरीर, फिर संन्यास से तजा शरीर। बोलो वीर महावीर, बोलो जय जय महावीर, बोलो वीर महावीर, बोलो जय जय महावीर। क्या हुआ, धात की खंड में स्वर्ग के देवता की दो सागर की आयु बिताई, वहाँ खूब सुखों को भोगा और फिर सम्यक दर्शन के कारण आकर धात की खंड में राजपुत्र कनकोज्वल बन गया और वहाँ वैराग्य भाव से दीक्षा धारण करके संन्यास से शरीर को छोड़ा तो फिर जा कर के देवता बन जाता है। माने सिंह की पर्याय से, गुरु के संबोधन से उसके जीवन का उत्थान प्रारंभ हो गया। शेर की पर्याय, पुनः देवता की पर्याय, पुनः राजा कनकोज्वल की पर्याय और उसके बाद पुनः देवता बनता है। देव बना फिर मनुज जन्म ले, चक्रवर्ती प्रिय मित्र बने वे, चक्रवर्ती प्रिय मित्र बने वे, फिर गए स्वर्ग वहाँ से आकर मूल्यवान नर्तन को पाकर, मूल्यवान नर्तन को पाकर, नंद मुनि बन तजा शरीर, नंद मुनि बन तजा शरीर। बोलो वीर महावीर, बोलो जय जय महावीर,
महावीर बोलो जय जय महावीर। इसी नंद मुनि की पर्याय में सोलह कारण भाव न भाके, सोलह कारण भाव न भाके। तीर्थंकर प्रकृति को बांधा अपने परम लक्ष्य को साधा, अपने परम लक्ष्य को साधा। अब उन्हें बनना है महावीर, अब उन्हें बनना है महावीर बोलो वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। सुनो बंधु, सुनो मेरी बहनों, सम्यक्त्व की महिमा चार बार मुनि बनने की महिमा, चार बार मुनि बनने की महिमा। आखिर तीर्थंकर पद पाया, आखिर तीर्थंकर पद पाया, जग को मोक्ष का मार्ग बताया, जग को मोक्ष का मार्ग बताया। खुद बन गए वीरा अशरीर, खुद बन गए वीरा अशरीर बोलो वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। 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 इस प्रकार से एक बार सम्यक दर्शन धारण करके ये जीव उक्कसेण दोतिण्य भव गहनाणी जहन्नेण सत्तट भव गहनाणी, अर्थात एक बार सम्यक धारण करने के बाद ये जीव उत्कृष्ट से दो या तीन भाव में मोक्ष चला जाता है और जघन्य से यानी अधिक से अधिक सात आठ भावों में मोक्ष के कगार पर पहुंच जाता है। तो आठवें भाव में भगवान महावीर के जीव ने नंद मुनि की पर्याय में सोलह कारण भावनाएं भा करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया और वहाँ से मुनि बन करके संलेखना धारण करके शरीर को छोड़ा तो देव बन गए और देवता से फिर पुनः कुंडलपुर में राजा सिद्धार्थ के यहाँ रानी त्रिशला के गर्भ में आ जाते हैं। जल महावीर भगवान की जय। और आगे का कथानक आप सुनेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने महावीर तीर्थंकर के रूप में जन्म लिया और आगे कैसे कैसे उनके समोसरण के अंदर भी क्या क्या बातें चलती हैं। इतिहास लंबा है, संक्षेप में बताने का प्रयास किया गया है। तो भव्यात्माओं, आपने तत्वार्थ सूत्र के तृतीय अध्याय के माध्यम से जाना कि चारों गतियों में ये जीव भटक रहा है, उसमें मनुष्य गति हमने पाई है। अब सम्यक दर्शन और अणुव्रतों को धारण करके हमें देव गति को प्राप्त करना है। भगवान महावीर के कथानक को जाना, आपको बहुत सारी बातें सुबह से रात तक बताई जाती हैं। आज रात्रि में भी मैना सुंदरी, क्यों सुमन जी, सती मैना सुंदरी के ऊपर नाटक करवा रही हैं हमारी श्रीमती सुमन जी सेठी बेंगलोर से जो आई हैं वे, और रात्रि में अनेक कार्यक्रम। अच्छा, ममता शाह, ममता जी शाह फल्टन महाराष्ट्र से आई हैं, वे आज महासती मैना सुंदरी का नाटक करवाएंगी और अनेक कार्यक्रम दिन में भी चल रहे हैं। आपको हमने बताया है कई बार भी, एक ज्ञानांजलि ऐप जो पिछले साल लॉन्च हुआ है शरद पूर्णिमा के दिन, उस ज्ञानांजलि ऐप को लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं और उस पर दशलक्षण पर्व की प्रतिदिन प्रतियोगिता चल रही है। हर धर्म के पांच पांच प्रश्न रहते हैं
और उसके उत्तर लोग देते हैं। तो क्षमा धर्म जो 8 सितंबर को आओ क्षमा धर्म को जाने इस नाम से आप ही जब डाउनलोड करोगे ज्ञानांजलि ऐप उसके अंदर पहुंचोगे आगे एक एक धर्म के बारे में, तो उसमें क्षमा धर्म को 244 लोगों ने क्वेश्चन के आंसर भरे, उसमें 67 लोगों के 100 में 100 नंबर आए हैं। उनमें से 3 पुरस्कार जो लकी ड्रा के माध्यम से निकाले गए हैं, रक्षा साम मलाड मुंबई से पहला नाम है, नियति जैन टिकैत नगर उत्तर प्रदेश से, अनीता जैन कमल मंदिर प्रीत बिहार दिल्ली से। इस प्रकार से 3 विजेताओं को चांदी का नमोकार महामंत्र है, जो हमारे कैलाश चंदी सराफ लखनऊ से लेकर के आए हैं, ये चांदी का नमोकार मंत्र आपको डाक से ही भेजा जाएगा। इसी प्रकार से आप उत्तम मार्दव धर्म उत्तम आर्जव धर्म 10 धर्म की प्रतियोगिताओं को भरते रहें और ज्ञानांजलि ऐप को डाउनलोड करके और उसमें भाग लेते रहें। अब आप जो यहाँ पर उपस्थित हैं उन लोगों से 2-3 प्रश्न करना है आपसे, और प्रश्न के माध्यम से ज्ञान की वृद्धि करना है। जब मैं प्रश्न पूछूंगी, जितने लोगों को उत्तर आता हो वो केवल हाथ उठाएंगे, पहले बोलेगा कोई नहीं। जिनकी तरफ इशारा होगा उनके पास कॉर्डलेस माइक जाएगा, उत्तर सही होगा तो आपको यहाँ से सुंदर सा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। चलिए पहला प्रश्न, जीव के स्वतत्व कितने और कौन कौन से होते हैं? जीव के स्वतत्व